पुरानी दोस्तों, क्या हाल है? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी चल रहा हूँ। अभी एक जगह रामलीला हो रहा है और कई दिनों से हो रहा है, तो वहीं पे चल रहा हूँ दिखलाने के लिए। पीछे देख सकते हैं खेतों के बीच से रास्ता है और थोड़ी दूर जाना है, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं। और पीछे देख सकते हैं गेहूं के खेत, और इधर भी। अभी मैं साइकिल से जा रहा हूं, सुबह का टाइम है। तो अभी अभी सुबह का टाइम है, साइकिल से मैं जा रहा हूं वहां पे जहां पे रामलीला शुरू होने वाला है। वो 3-4 दिन पहले से ही शुरू हो चुका है, आज 6ठा दिन है और नवरात्र का 6ठा दिन है आज। तो चलते वहां पर देखते हैं, सुबह का टाइम है, कितना भीड़ लगा हुआ है। अभी थोड़ी दूर और बचा है, थोड़ी दूर और जाना है, तो आ जाएगा वहाँ से। पीछे देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है, तो सूर्य छोटा उगा हुआ है। और यहाँ से पीछे देख सकते हैं कच्ची रोड से पक्की रोड आ गया हल्का सा, तो यहाँ से चलते हैं। आ गया मंदिर, वहाँ से देख सकते हैं उसी बागीचे के अंदर है। तो यहाँ से देख सकते हैं खेतों के बीच और चारों तरफ से वहाँ पे एक तालाब है, वहीं पे लगा हुआ मेला। तो नवरात्र हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। नवरात्र शब्द एक संस्कृत शब्द से है जिसका अर्थ है नवरात, मतलब नौ रातें। इन 9 दिनों में के दौरान देवी के 9 रूपों का पूजा की जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। नवरात्र के 9 रातों में 3 देवियों की पूजा की जाती है, लक्ष्मी, काली और सरस्वती जी की। तो यहाँ देख सकते हैं परिक्रमा करने के लिए कुटिया बनाया गया है, और इधर चारों तरफ तंबू ताने गए हैं, और यहीं पे रामलीला का प्रयोजन बैठाया गया है, यहीं पे होता है। नवरात्र हिंदुओं का प्रमुख महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महज उत्सव के साथ मनाया जाता है। इन दिनों में 9 दिनों 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो पहले दिन शैलपुत्री जो देवी हैं वो दुर्गा के पहले रूप के प्रकट हुई हैं, तो पहले दिन उन्हीं की ही पूजा की जाती है, शैलपुत्री की। यहाँ से देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर है और उसमें हनुमान जी की मूर्ति है। और यहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं तालाब है पीछे, और यहाँ पे आम के पेड़ और पीपल के पेड़ है, और उसके पीछे तालाब है। और ये बड़ा मंदिर, इसके अंदर शिवलिंग है और शिव जी की पार्वती जी की मूर्ति है। एक यहाँ पे पुजारी पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के लिए सामान वहाँ पे सामने ठीक रखा हुआ है, और इधर मूर्तियाँ हैं साइड में एक तरफ। और यहाँ पे मेला लगा हुआ है काफ़ी बड़ा। तो पहले दिन शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र में पहले दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल के पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तभी इनका नाम सती था। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री जी की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है, और उसी दिन
हर मंदिर पे उनकी पूजा की जाती है और घर घर में भी उनकी ही पूजा की जाती है। तो उधर से चलाया हूँ, हमारा काम हो गया, वहाँ पे वीडियो बन चुका है। तो ये देख सकते हैं जाने का रास्ता ही है, और एक रास्ता उधर से है जहाँ वो पेड़ दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये मंदिर में भी आज ख़त्म हो जाएगा, आज 9वां दिन है, 9 दिन रहता है तो आज ख़त्म हो जाएगा, तो आज आखिरी दिन है। तो यहाँ पे देखेंगे लगा हुआ है, अभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कल ख़त्म हो जाएगा। तो 2-3 दिन बाद यहाँ पे एक बार और आऊँगा देखने के लिए कि यहाँ पे अभी भीड़ कम है, और कल आज ज़्यादा भीड़ लगा क्योंकि आज लास्ट दिन है। तो कल सुबह यहाँ पे फिर से दोबारा से आऊँगा, देखता हूँ क्या होता है। तब तो कल तो ख़त्म हो जाएगा। ये सुबह के समय आया था तो यहाँ पे लाइट लगी हुई थी, और अभी रात का समय है तो इसको लाइट को ऑन कर दिया गया है। देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति और बगल में लगे हुए हैं। ओ गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है, आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और 2 दिन बाद मेला है। तो अभी जहाँ पे रामलीला का लगा था मेला वहाँ पे 9 दिन रहता है, तो पहले ही ख़त्म हो गया, 2 दिन पहले ख़त्म हो गया है, पहले से लगा था तो वहीं पे चल रहा हूँ। रात का सीन कुछ था, और उसके पहले दिन में गया था तो दिखलाया था, भीड़ ज़्यादा थी, अब सब समाप्त हो गया है। अब चल के एक बार और दिखला देता हूँ वहाँ पे कैसा है। खेतों के रास्ते से गुजरते हुए कच्ची सड़कों को पार करते हुए मंदिर के पास पहुंचकर वहां का दर्शन किया। चारों तरफ ऊख के गन्ने बोए गए हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, और इधर चारों ओर खेतों में गेहूं और गन्ने की बुआई हुई है। यहां से मंदिर देख सकते हैं और चारों तरफ खेत लगे हुए हैं। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। ये रास्ता मंदिर के ठीक दूसरे गेट के सामने जाता है, पहला गेट दूसरी तरफ है, यहाँ से चलते हैं मंदिर के पास। नवरात्र में दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा बड़े धूमधाम से किया जाता है। सुबह का टाइम है और यहाँ पे नवरात्र ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे लगा था मेला, ये बड़ा ग्राउंड आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे एक शंकर जी की मूर्ति है। तो पूरा ग्राउंड देख सकते हैं, यहीं पे लगा था मेला, और ये है झोपड़ी, इसी में चारों तरफ परिक्रमा लोग कर रहे थे। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। इनका नाम दो नामों में मिलकर बना है, ब्रह्मा और चारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है, और दूसरे दिन इनकी पूजा बड़े धूमधाम से सेवकों द्वारा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी रूप चंद्रघंटा जी की पूजा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन
इन्हीं की पूजा होती है। इन दिनों साधक का मन मणिचूर चक्र में प्रविष्ट होता है वेद लोक के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा के अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार के ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होता है। माँ का यह स्वरूप शक्ति रूपक और कल्याणकारी होता है। इनके समक्ष में घंटे का आकार का चंद्रघंटा है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है और नवरात्र के तीसरे दिन इनकी बहुत अधिक मात्रा में लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। नवरात्र में चौथे दिन दुर्गा के चौथे रूप की पूजा की जाती है, जिसको हम लोग कुष्मांडा देवी के नाम से जानते हैं। इस दिन साधक का मन अनाहक चक्र में प्रविष्ट होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन के कुष्मांडा देवी की स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्यों में लगाना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी के ब्रह्मा जी ने रचना की थी, अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर लोक में वहाँ निवास कर सकने की क्षमता है और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनकी आठ भुजाएं हैं। इनकी पहली हाथ में से लेकर सातवीं हाथ तक कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, महत्वपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में जपमाला है। इनका वाहन शेर है। पीछे देखे हैं वहाँ पे शिव जी की मूर्ति थी और ये दो तीन रूम है यहाँ पे, तो जो साधु यहाँ पे रहते हैं। तो अभी उस समय ताला लगा हुआ है, उस मंदिर में भी ताला लगा हुआ है, इस समय है नहीं। सुबह का टाइम है, करीब 8 बज रहे हैं और अब चलते हैं वहाँ पे। वहाँ पर भी छठ पूजा का बनाया गया है, चलते हैं उस रास्ते से, चलते हैं वहाँ पे। वहाँ सब लाते हैं, तालाब है, इसमें मछलियाँ पाली गई हैं। नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई हैं। माता अपने भक्त के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। स्कंद माता की पूजा बड़े धूमधाम से सुख द्वारा की जाती है। नवरात्र के सातवें दिन दुर्गा के सातवें रूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। नव दुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के नौ रूपे से छठी रूप हैं। अस्त्र कमल तलवार कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, हेमवती व इसरावती इन्हीं के अन्य नाम हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि ये परमेश्वर के नौ स्वर्गीय क्रोध से उत्पन्न हुई थीं और इनकी पूजा छठे दिन नवरात्र के बड़े धूमधाम से की जाती है। माँ दुर्गा के सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के नवें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को
व्यापक रूप में माता देवी काली महाकाली भद्रकाली भैखी मृत्यु रुद्राणी चामुंडा चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। आठवें रूप महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। अस्त्र त्रिशूल व डमरू वर और अभय मुद्रा इनके हाथों में सुशोभित है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बताएं वीडियो कैसा लगा और आगे भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास पहुँच सकें और वो भी देख सकें।